चैनल प्रतिमास लाइफ एंड लिविंग एंड आज आप देख रहे हैं मैं कहाँ हूँ, अपनी बालकनी में। और ये बालकनी अब इसका मेकओवर हो गया है, पूरी चेंज हो गई है। पहले हम इस बालकनी में आते नहीं थे और बैठते नहीं थे, अब यहाँ हम बहुत सारा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बैठते हैं और बहुत मज़ा भी आ रहा है यहाँ पर बैठने में। तो देखिए रेड कलर में है, आप देख सकते हैं। और ये कुछ पिंक है, इसी का पिंक कलर है ये। और ये कुछ अलग टाइप का प्लांट मुझे मिला था तो ये मैंने इसको लगाया है, तो मुझे बड़ा पसंद आया और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया, तो केदार बोले कि इसको ले लो। तो ये और ये तो लेना ही था, ये भी ले लिया। और पीछे मैरीगोल्ड आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये प्लांट। सो मैं इसकी डिटेल में आपको अभी बताती हूँ। फ्रेंड्स ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो चुका है और मैंने बताया जैसे आपको कि रोड साइड पे है मेरी बालकनी, तो गाड़ियाँ काफ़ी निकलेंगी, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा साउंड को। और ये देख रहे हैं आप छोटा सा हेलीकॉप्टर, ये श्रिया का टॉय था, वो टूट गया तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। अच्छा लगता है इसको देखने में, इसकी आइज़ मुझे बहुत पसंद है, इसकी बड़ी बड़ी आँखें। और ये भी एक ऐसी छोटा सा डेकोरेटिव पीस है तो वो मैंने यहाँ रख दिया। ये जो आप, एक सेकेंड मैं आपको इसको दिखाती हूँ, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये अभी मुझे इसको शिफ्ट करना है इस गमले में, तो ये मैं कल ही लेकर आई हूँ तो अभी मैं शिफ्ट नहीं कर पाई हूँ, इसको शिफ्ट करूँगी। और ये एक, ये 12 मंथ्स तक रहता है ये वाला भी और ये वाला भी प्लांट, तो इसलिए मैंने इसको लिया, उसमें ज़्यादा धूप की ज़रूरत भी नहीं होती है। और इसको मैंने इस छोटे से इसमें ऐसे ही डाल दिया है अभी, मतलब इसमें शिफ्ट नहीं किया है। ये भी इसी का मैंने किया हुआ था, इसकी इसमें इसकी डंडी लग जाती है, कलम जिसे हम बोलते हैं ना वो लग जाती है। और एक छोटा सा दिखिए आप इसमें, ये बटरफ्लाई टाइप दिख रही होगी आपको, ये भी श्रिया का एक पुराना टॉय था जो मैंने इसमें प्लांट में रख दिया, उससे खेलती थी बचपन में। और ये केदार को बहुत पसंद आया वाइट कलर का, ये इस, ये पिंक है और इसी का ये वाइट है, तो वो बोले कि इसको ले लो इसको ले लो, तो मैंने फिर ले लिया। और ये मैंने वो जो आप जानते होंगे सुहागन जैसे हम बोलते हैं हिबिस्कस प्लांट, उसकी मैंने कलम लगाई है और ये छोटी छोटी फूट रही है अभी, इसमें काफ़ी लीव्स भी गिर गई हैं पुरानी वाली, उसको मुझे हटाना है अभी, वो मैं हटाऊंगी। और ये ऐसी छोटा सा शो प्लांट, और ये इसका नाम तो मुझे पता नहीं है पर ये बहुत घना हो जाता है, तो इसको इसलिए मैंने कॉर्नर पे रख रखा है। और जो ये जो आप दूसरा देख रहे हैं ये वाला, ये अभी खाली है तो अभी इसमें मैंने कुछ लगाया नहीं है। ये गेंदा जिसे हम बोलते हैं, ओहो कितना नॉइज़ आ रहा है बाहर से, आप ये इग्नोर करिएगा नॉइज़ को। ये गेंदा है, इसको मैरीगोल्ड बोलते हैं इंग्लिश में, सो ये मुझे अच्छा रहता है, लगा लेती हूँ इसलिए क्योंकि इसके फूल मुझे मिल जाते हैं पूजा में रखने के लिए। और ये तुलसी है, अभी तुलसी के पुराने पत्ते झड़ गए हैं और नए आ रहे हैं, ये देखिए आप नए आ रहे हैं। और ये दीपक रखने की जगह है उसमें तुलसी में,
ये एक शोपीस है जो मैंने यही लोकल मार्केट से ख़रीदा था, और जैसा आप देख रहे हैं ये ग्रिल जब से बनी है इसका वेल्डिंग के कारण ये ब्लैक ब्लैक हो गई है। वॉल्स अभी पेंट होना और बाकी है, तो वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा। और रात में बालकनी में बहुत अच्छा लगता है, मतलब रात में बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर। उसकी पिक्चर्स भी मैं आपको इसके बाद बताऊँगी। ये ऐसी शो के हैं हैंगिंग पॉट्स, अभी काफ़ी धूप हो गई है तो विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रही है। ये देखिए, और बस ये मेरी बालकनी जो कम्प्लीटली चेंज हो गई है। और नीचे आप एक छोटा सा पॉट देख रहे होंगे, ये पॉट है, ये इसमें मैंने मिंट लगा के रखा हुआ है। इसको लगाना बहुत आसान होता है, जैसे हम बाज़ार से जो मिंट खरीदते हैं ना, उसकी जो डंडियाँ होती है ना, वो मैंने इसमें ऐसी पोर कर दी। और इसमें से कुछ कुछ ये आप देख रहे होंगे कि सब में लीव्स नहीं है, लेकिन इनमें भी लीव्स आ जाती हैं, इसलिए इनको हटाइए मत, इसको लगे रहने दीजिए, सब में लीव्स आ जाती हैं। और बस यही मेरी बालकनी है, आप मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। और यहाँ हम लोग बैठते हैं, ये एक पे मैं बैठती हूँ, एक पे केदार बैठते हैं, कभी कभी श्रिया को भी बैठना होता है तो वो अपनी छोटी सी चेयर ले आती है, और फिर जिसको नीचे बैठना है वो नीचे भी बैठ सकते। अब यहाँ पे बैठने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि पहले हम लोग जब यहाँ पे बैठते थे, क्योंकि ये रोड साइड पड़ती है मेरी बालकनी, यहाँ से सारी गाड़ियाँ अंदर निकलती हैं, तो यहाँ पर बैठने में उतना मज़ा नहीं आता था, थोड़ी प्राइवेसी भी नहीं लगती थी। अब यहाँ हम बैठ के यहाँ पे चाय पी लेते हैं, या बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, और प्लांट्स को देख कर सुबह सुबह पूरी ग्रीनरी रहती है। ये मेरा बेडरूम है, बेडरूम से लगी हुई ये बालकनी है, तो बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर बैठने में। और ये मेकओवर होने से बहुत सारा चेंजेस हो गया, जैसे पहले हम लोग अंदर चाय पीते थे, अंदर न्यूज़पेपर पढ़ते थे, अब हमारा सुबह का टाइम यहाँ स्पेंड होता है। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्लावर्स भी हैं, कुछ शो प्लांट्स भी लगा रखे हैं मैंने, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। और एक चीज़ मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, 100 सब्सक्राइबर्स मेरे हो गए हैं कंप्लीट। अभी 2-3 महीने पहले से ही मैं वीडियोस बनाना मैंने स्टार्ट किया है, और मुझे सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, आप सभी लोग मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं, नए नए फ्रेंड्स, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं जब, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग इतने अच्छे से एक तारीफ़ कर होती है ना, जो अपन को चाहिए रहती है सबसे, वो आप लोग करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही आगे आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, और पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट भी ज़रूर करिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको कौन सी और वीडियोस आगे चाहिए हैं। और बस इतना ही बोलना चाहूँगी आप सभी से, और ये वीडियो यहीं एंड करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय।